तो दोस्तों मैं जीशान अलीपुर, आप देख रहे हैं अपने इस YouTube चैनल जीशान मॉनिटर। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे अगर आपने ई लाभार्थी वेबसाइट से किसी का KYC क्या होगा, किसी भी प्रकार का पेंशन का KYC क्या होगा, तो आप किस तरह देख पाएंगे आपका KYC हुआ या ना हुआ, सक्सेस हुआ या फेल हुआ, वो चीज़ हम आप चेक कर पाएंगे। दुविधा में रह जाते हैं कि मैंने किया तो मेरा हुआ या न हुआ या फेल हो गया, वो हम आपको आज चेक करने बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। और दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, इस वीडियो को स्पॉन्सर क्या है, इजी फोर पे ने इस वीडियो को स्पॉन्सरशिप किया है। तो इजी फोर पे एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे अपनी दुकान को बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ अपने कस्टमर को कैश विड्रो, कैश डिपॉजिट या रिचार्ज, टिकट बुकिंग, पैन कार्ड बुकिंग और पैन कार्ड न्यू करेक्शन, सारी सुविधा अपने कस्टमर को दे सकते हैं इजी फोर पे के मदद से। यहाँ आपको रिचार्ज भी मिलने वाला, रिचार्ज में आपको 5% कमीशन मिलने वाला सभी ऑपरेटर पे। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा दूँ, ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है मैंने किया था। तो यहाँ पे मैंने किया था 399 रुपये के रिचार्ज किया था, यहाँ पे देख लीजिए 399 रुपये, जहाँ मुझे 11.97 रुपये यानी कि 12 रुपये कमीशन मिले हैं। रिचार्ज भी इनके बहुत फास्ट है और तुरंत हो जाता और अच्छी कमीशन यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं इजी फोर पे का ID चाहिए आपको, अगर लेना चाहते हैं रिटेलर ID या डिस्ट्रीब्यूटर ID, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के मेन मुद्दे पाते हैं। वीडियो के मेन मुद्दे पाने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप वहीं आ जाएंगे जहाँ से अप्लाई किए थे ई लाभार्थी की वेबसाइट से, और यहाँ पर आना होगा। उसके बाद यहाँ पर एंट्री रिपोर्ट पाएंगे, एंट्री रिपोर्ट पाने के बाद यहाँ पर आपको मिल रहा है आधार जीवन प्रमाण पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कीम पूछ रहा है, मतलब किस योजना के तहत आपने KYC किया था। अगर आपको योजना का पता नहीं है तो ऑल स्कीम को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मोड पूछ रहा है, एंट्री मोड आप ब्लॉक से किए थे या CSC से करवाए थे। अगर खुद से किए होंगे तो CSC ID के द्वारा किए होंगे, तो यहाँ पर CSC सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट पूछ रहा है, किस डेट से किस डेट का रिपोर्ट आप देखना चाहते। यहाँ पर मैंने एक डेट फिलअप कर दिया और यहाँ पे शो पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप शो करेंगे तो यहाँ पे बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट है तो इस डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करने के बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी ब्लॉक होंगे सभी ब्लॉक आ जाएंगे, और उसमें टोटल कितने को क्या गया था और टोटल कितना सक्सेस फेल हुआ, ये सब यहाँ पे जो सक्सेस हुआ वो यहाँ पे दिखाएंगे, जो फेल हुआ वो यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे मैं एक ब्लॉक को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं इस ब्लॉक को सेलेक्ट किया, उसके बाद इस ब्लॉक में जितने पंचायत हो वो पंचायत आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस पंचायत के द्वारा 44 बेनिफिशरी ऐड किए गए थे जिसमें, ठीक है, और इसमें 27 सक्सेस हो गए और 17 फेल हो गए। तो अब किसका सक्सेस हो किसका फेल हुआ उसके जानने के लिए अपने पंचायत के नाम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बेनिफिशरी ID आ जाएगा, ईयर ऑफ बर्थ आ जाएगा, UID स्टेटस में यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नाम दिखा देगा, इस नाम से आप जान सकते हैं। और यहाँ पे जो UIDI स्टेटस है यहाँ पे दिखा रहा है अनऑथोराइजेशन, मतलब कि ये रिजेक्ट हो गया, मतलब इसका ऑथोराइज नहीं हुआ है, और जो हो गया उसके में ऑथोराइज्ड लिखा हुआ उसमें अन नहीं लगा है, जिसमें अन लग गया उसको फिर से KYC करना होगा। फिर से KYC करने के लिए आपको वेबसाइट पे आ जाना है, मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। फिर से यहाँ पे आना है, उसके बाद लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको फिर से कर लेना है जिसका ऑथोराइज्ड नहीं हुआ है उसका आपको यहाँ से करना है। लॉगिन विद डिजिटल से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे CSC ID पासवर्ड मांगा जाएगा, वो देंगे। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे क्लिक करने को कुछ ऐसे इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर या आधार नंबर या बेनिफिशरी ID से सर्च कर सकते हैं। बेनिफिशरी ID आप उस तरह निकाल सकते जहाँ पे मैंने आपको पता है, तो वहाँ बेनिफिशरी ID था। यहाँ पर मैं आधार नंबर देता हूँ और यहाँ पर आधार कार्ड को सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर इंटर करके सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आधार नंबर दे दिया, उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो नाम पेंशन में वो आ जाएगा, जो नाम आपके बैंक अकाउंट में वो
आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम देना होगा, और यहाँ पे आपको आधार नंबर शो कर जाएगा। आधार कार्ड से सर्च किए होंगे, अगर आधार कार्ड नहीं शो करता आधार नंबर देंगे। यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ देंगे, और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको ऐड नया हो चुका है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दे देना है, मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस का वार्ड नंबर सेलेक्ट करना, आपका जो भी वार्ड नंबर वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप आगे का प्रोसेस सेम पुरानी तरह से कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पुरानी वीडियो में बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो वीडियो देख के KYC कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे नॉलेजफुल जानकारी के साथ, फिर एक नई वीडियो के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नॉलेजफुल जानकारी के साथ।